इसराइल ने अब तक जो बमबारी की है वो हैरान कन तौर के ऊपर दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की तरफ से की जाने वाली बमबारियों के अंदर जो टॉप सेकंड जो बमबारी है वो इतने दिनों के अंदर जो है वो इसराइल ने कर दी है गज़ा के ऊपर। और इसका मवाजना हम अमेरिका के साथ करेंगे क्योंकि जाहिर है अमेरिका ही पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बमबारी है वो करता रहा है, दूसरे नंबर पर जो है वो इसराइल आ गया है, तो इसके ऊपर बात करेंगे और कितने बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं, कितने टन बम्बार्टमेंट का मटेरियल इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जी नानवी, थोड़ा सा डेथ टोल के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जी कंटिन्यू करें। देखें, पूरा महीना हो गया और जब से ये चीज़ जो अटैक्स गज़ा पे जो है अनरिलेंटलेस कंटिन्यूसली ये बॉम्बिंग चल रही है अक्टूबर सेवन से नवंबर सेवन्थ आ गई है, तो पूरे 31 डेज हो गए और अभी तक कोई एंड इन साइट नहीं है। आई मीन अभी तक जो इंटरनेशनल आपके जो पावर्स दैट बी हैं वो सिर्फ इस बात पे थोड़ा बहुत एग्रीमेंट में यह है कि हम ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस देंगे, लेकिन ख़त्म करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं इसराइल के ऊपर कि आप जो है इसराइल तो वो भी मना कर रहा है, मैं नहीं करूँगा। नहीं, वो तो वो है, लेकिन मैं आपको वैसी देखिए इंटरनेशनल हाँ जो आपके G7 की अभी एक मीटिंग हुई थी उसमें जो वर्ल्ड पावर्स हैं उसमें सिर्फ फ्रांस ने कहा कि भाई जो है ना हमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो इस सीज फायर के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी जर्मनी, जापान, इटली और क्या कहते हैं कनाडा, इन सब ने बस ये कहा कि हम एब्सटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। यूएस ने इसको फौरी तौर से रिजेक्ट कर दिया, जाहिर है मीन यूएस तो आपको पता है कि इसराइल के साथ वो तो शाना बशाना खड़ा है, उनका बेसिकली यही स्टैंड है कि वी स्टैंड विद इसराइल, वी स्टैंड विद इसराइल नो मैटर व्हाट, अनवेवरिंग सपोर्ट देंगे हम इनको, अनवेवरिंग यानी जे कुछ भी करें। ये जुमला इस्तेमाल किया हुआ है और इस जुमले की डेप्थ कितनी है इसके बारे में हम कई दफ़ा बात करें। बिल्कुल, तो वो ये उस पर G7 का आपका ये मौकफ है, उसके बाद इसराइल अपने मुंह से जो है खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने जो फर्स्ट 6 डेज के अंदर 6000 बॉम्ब्स गज़ा के पर गिराए, और मैं आप कंपैरिजन के तौर पे हमने जैसा आपने बात की कि हम यूएस का लेते हैं एग्जांपल, तो यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर जब इन लोगों की जंग चल रही थी तो 2018 और 19 के अंदर इन्होंने पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो बम्बार्टमेंट की थी वो तकरीबन 7300 के करीब थी, पूरे मुल्क पूरा अफगानिस्तान और गज़ा। हमने पहले ही से बताया कि बहुत छोटी सी 25 miles आप लग के लें, ऑलमोस्ट 50 kilometers लंबी और ज़्यादा वाइड भी नहीं है, और इसके ऊपर इन्होंने 6000 बॉम्ब्स गिराए, और इसमें हमने वाइट इन्होंने वाइट फॉस्फरस भी इस्तेमाल किया, और इसके अलावा हर किस्म के इन्होंने बॉम्ब्स वाइट फॉस्फरस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जी जी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और टारगेट किया सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। और लेकिन जब भी आप मीडिया पे इनसे क्वेश्चन करते हैं कि मिनिस्टर्स वगैरह से, तो एक डिनाई करते हैं कि ये सब हमास टारगेट्स हैं, इन्होंने ब्लैंकेट स्टेटमेंट कहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, कोई काउंटर करने वाला नहीं है इनको, क्योंकि इनके अभी जो इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स भी इनके अपने साथ इन्होंने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कुछ रखे हुए हैं, वही एम्बेडेड जर्नलिस्ट। जी बिल्कुल, तो उस एम्बेडेड जर्नलिस्ट आप मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब आप किसी आर्मी के साथ हैं तो आप वैसी उस आर्मी आ जाता है वैसे। हाँ, लेकिन अब इनके साथ तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह साइन किया कि जो भी चीज़ आप हम यहाँ से लेंगे हमें आप देंगे, हम आपको हम जो है उसको सेंसर करके या वेट करके आपको वापस करेंगे। और CNN जैसी बड़ी कंपनी ने उनके साथ ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आई मीन हम वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो 100% बायस्ड है। और अगर कोई CNN को ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो समझता भी है जी, तो अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात वो तो है, लेकिन अब बात ये है ना कि हम दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कि उससे अभी तक निकल ही नहीं पाए, समझ नहीं पाए इस दलदल को, नहीं अपने आप को बाहर निकाल पाए, क्योंकि वो बहुत अरसे से ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ये एक अभी की बात ही नहीं है। आई मीन जब से मीडिया इतना ज़्यादा बाहर निकला है, आई मीन वो प्रोपेगेंडा के तौर पे ही इस्तेमाल हो रहा है।